हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, बहुत दिन से आप लोगों की जिस चीज़ की एक इच्छा हो रही थी, आज वही आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि सर 10 मार्क्स वाले क्लोट टेस्ट करवाइए, तो आज मैं आपके लिए 10 मार्क्स का ही क्लोट टेस्ट लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा था कि बस कुछ ही दिन रुक जाइए, उसके बाद 10 मार्क्स वाले क्लोट टेस्ट अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सेट जो है मेन्स के आ रहे हैं। सो गाइस, आज का ये सेट है एमबी बुक से 27 सीजीएल मेंस का सेट है। इसमें पूरे 3 क्लोट टेस्ट दिए गए हैं, 10-10 मार्क्स वाले, 2 10-10 वाले, 1 5 मार्क्स वाला। लेकिन मैं आपको आज एक करवाने वाला हूँ पहले क्लोट टेस्ट, उसके बाद में बाकी क्लोट टेस्ट करवाऊंगा आपको। इस गाइस, मैंने कहा था कि एक वीडियो में हम लोग एक ही क्लोट टेस्ट करवाएंगे, कुछ समय की वजह से कुछ ऐसा है कि मतलब आप हम आपको ईजिली समझा सकें और आप बोर भी ना हो। सो गाइस, 10 मार्क्स वाली सीरीज हो गई है। अब जरा अटेंटिव हो जाइए, कमर कस लीजिए और जो आपको दिया गया है काम, उस काम पे लग जाइए, यानी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी जो हमें दी गई है आपने। सो गाइस, क्लोटस पे चलते हैं लेकर के, आपको क्या कह रहा है क्लोटस वाला, उस पर बात करते हैं और फिर वापस आएंगे अपनी बात पर। सो गाइस, ये रहा वो क्लोट टेस्ट, 10 मार्क्स का है और एग्जाम पेपर की शुरुआत ही क्लोट टेस्ट हुई थी इसकी, जो पेपर छापा हुआ है एमबी बुक में। कह रहा है कि टेम्पटेशन इज वन काइंड ऑफ और अनदर ल्योर एवरीवन। और जो टेम्पटेशन बोलते हैं ललचाने को, लुभावने को, तो टेम्पटेशन जो एक काइंड है और अनदर ल्योर एवरीवन, यानी कि ल्योर मतलब लालच, तो एक और लालच है लोगों के लिए, सभी के लिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज डैश देम फ्रॉम गेनिंग अ फुट होल्ड इन ओवर डैश। जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसकी डैश, हमें नहीं पता क्या कहना चाह रहा है, देम फ्रॉम गेनिंग अ फुट होल्ड इन ओवर डैश। एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट डैश, डिटेक्ट मतलब बच्चों पता लगाना, जैसे ही हम लोगों को पता लगता है द फर्स्ट डैश ऑफ टेम्पटेशन, वी शुड बिकम वॉचफुल एंड डैश। तो हम लोग जो हैं डैशफुल हो जाने चाहिए, एंड डैश मतलब वॉचफुल मतलब चौकन्ने, एंड डैश पता नहीं क्या, ओवर अटेंशन टू गुड और नोबल थॉट्स। हमारा जो पूरी अटेंशन है वो गुड यानी कि अच्छी और नोबल मतलब सभ्य चीज़ों की तरफ होनी चाहिए, थॉट विचारों के ऊपर। डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू डैश वी आर लाइकली टू फॉल, प्लेइंग विद द टेम्पटेशन डैश टू वेलकमिंग इट। इनफैक्ट द सेफेस्ट डैश इज टू अवॉइड सिचुएशन इन विच वी मे बी टेम्पटेटेड। इफ डैश ऑल और केयर अ टेम्पटेशन बिकम सेवर, वी डैश नॉट गेट अपसेट और डिसअपॉइंटेड बट टर्न टू अ गुड फ्रेंड फॉर एडवाइस एंड हेल्प। चलिए गाइस, ये पूरा का पूरा क्लोट टेस्ट मैंने आपके सामने एक बार पढ़ दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आए हुए ऑप्शंस की, ऑप्शंस को कैसे फिल करना है, क्या देख कर के आपको फैसला लेना होगा, ये सब बातें आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों। सो सावधान रहिएगा और साथ दीजिएगा मेरा, जिससे कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट कर सकें। गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना को बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी थोड़ी सी ग्रामर पर पकड़ है तो। कह रहा है कि टेम्पटेशन ऑफ वन काइंड और अनदर ल्योर एवरीवन, ये तो खत्म हो गया लाइन, इस लाइन में कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी क्लोट टेस्ट नहीं था। द इंपॉर्टेंट थिंग इज डैश, अब बच्चों यहां पर आपको दिया उसने इज, अब इज है बच्चों आपका बी की फैमिली से। मैंने आपको बताया है कई बार कि बी की फैमिली के अंदर आपके इज एम आर वोज वर और बीन व बींग आया करते हैं, ये आपके बी की फैमिली के मेंबर हैं, इज एम आर वोज वर बी बीन बींग। और मैंने हमेशा बताया है कि बी की फैमिली साथ में आपकी दो ही वर्ब लगा करती हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ध्यान दीजिएगा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये लगाने का तरीका है। या फिर आप इसके बाद में बी की फैमिली के बाद में इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव मतलब बच्चों 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। तो गाइस, यहाँ थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी या नहीं पहले दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाने से सेंटेंस आपका पैसिव चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रिवेंटेड, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस की पैसिव की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यस, सेंटेंस में आपको एक हल्की सी वर्ब चाहिए या फिर कंजक्शन,
यहाँ सेंटेंस में आपको या तो कंजेक्शन लगा दीजिए आप, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, फिर नया सेंटेंस शुरू होना चाहिए, लेकिन नया सेंटेंस आगे नहीं शुरू हो रहा है तो दैट आप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, ऑप्शन में भी आपको दैट नहीं दिया गया है। तो गैस यहाँ आपको एक इन्फिनिटिव की आवश्यकता है और इन्फिनिटिव आपकी ये रही। दूसरी बात गैस, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो टू के बाद आईएनजी नहीं आया करती है, और अगर डी की बात करें तो इज एम आर के बाद फर्स्ट होम नहीं आया करती है। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर है वो है आपका बी के साथ में, बच्चा बी पर थोड़ा फंस सकता है, लेकिन बच्चों फंसना नहीं है, सेंटेंस हमारा पैसिव में नहीं जा रहा है। चलिए फिलहाल तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड इन ओवर डैश, इन ओवर डैश। तो गाइस ये जो टेम्पटेशन, ये जो लालच है, ये आता कहाँ पर है? ये हमारे मन में आता है बच्चों, माइंड में आता है हमारे। ये बच्चों लालच कहाँ आएगा आपके बॉडी में? तो आने से रहा, सोल यानी कि आत्मा मैंने से रहा, आंखों मैंने से रहा, तो कहाँ आता है बच्चों? हमारे माइंड में। कहाँ आता है? हमारे माइंड में, मन में आता है। माइंड यानी कि मन में ही हमारे लालच आता उठता है। यस, आपने से देखे एड भी देखा होगा, मन में लड्डू फूटा। यस, लड्डू देती है वो चॉकलेट के दो लड्डू, तो मन में लड्डू फूटा। तो गैस वही ऐड यहाँ पे आप लोग फॉलो कर लें कि मन में लड्डू फूटा यानी कि मन में लालच फूटा, तो यहाँ पे सेकंड में आपका आ जाएगा माइंड्स। यस गैस, अभी तक दो मैंने आपको फिल कराए हैं, दो अगर आपको समझ में आ गया खूब अच्छे से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैस मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी अपना दिमाग पूरे तरह से लगा रहे होंगे इस पर। दिमाग लगाते चलिएगा बच्चों साथ में, क्योंकि ये इतनी बड़ा खेल भी नहीं जितना आप सोचते हैं। क्लोट टेस्ट और पैसे जीत दो मुझे बड़े आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने समय से ही मुझे लगता था कि इनमें हम लोग इजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। यस गैस, तो आप लोग बहुत इजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट डैश, थर्ड वाले पास जाइए, एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट डैश ऑफ टेम्पटेशन, बच्चों जैसे ही हमें पता चलता है टेम्पटेशन के पहले डैश के बारे में, बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें काम करने वाली हैं, तो आपका ऑफ काम करेगा, दूसरा आपका फर्स्ट काम करेगा। ऑप्शन भी काम करेगा भाई, ऑप्शन के पीछे मत भूल जाना आप लोग। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया उसने आपको, कह रहे कि एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट मैसेज ऑफ टेम्पटेशन, फर्स्ट साइंस ऑफ टेम्पटेशन, फर्स्ट कोर्स ऑफ टेम्पटेशन, फर्स्ट सिम्बल्स ऑफ टेम्पटेशन। तो जैसे ही हमें पहला संकेत मिलता है टेम्पटेशन यानी कि लालच का, एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट साइन ऑफ टेम्पटेशन, बच्चों यहाँ पे साइन के साथ में एक तो हमेशा फिक्स पर्पसन आपकी ऑफ चला करती है, साइन ऑफ। यस गैस, तो यहाँ पे ये भी फायदा हो गया है, और गैस क्लियरली हो रहा है साइन मतलब संकेत, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लगा सकते हैं। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, थर्ड का बी आंसर लगाइएगा बिल्कुल आँख मिच के, बाकी किसी के साथ में आपका ऑफ नहीं आना है। इसलिए वी शुड बिकम वॉचफुल, जैसे ही हमें पहले संकेत मिले लालच के, हमें हो जाना चाहिए वॉचफुल यानी कि सावधान, चौकन्ना एंड डैश। अब गैस चौकन्ने से ही जुड़ता वर्ड हमें यहाँ पे को ढूंढना होगा, ये रहा, वी शुड बिकम वॉचफुल एंड डैश, तो हमें होना होगा चौकन्ना एंड डैश ओवर अटेंशन। अटेंशन मतलब हमें अपने आप को अटेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सावधान रहना होगा। तो बच्चों चौकन्ने से जुड़ा वर्ड आपके सामने आ रखा है, लेकिन उसको लगाना किस तरह से ध्यान दीजिएगा। टर्न बच्चों रिवॉल्व मतलब होता है चक्रण, जैसे कि आपकी पृथ्वी करती है, तो ये नहीं आएगा आपका। चेंज यानी कि बदलना, तो बच्चों बदलना नहीं है, वो कह रहे हैं कि चेंज ओवर टेम्पटेशन, सॉरी चेंज ओवर अटेंशन, तो आपको अपनी अटेंशन चेंज नहीं करनी है और बल्कि ध्यान लगाना है पूरा। जब पीछे वॉचफुल आ गया है तो आपको आगे भी वॉचफुल जैसा ही, मैंने आपको बताया है ये तीन कंजक्शन एंड बट और, एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपका चेंज भी नहीं आएगा, ट्विस्ट भी नहीं आएगा, तो गैस यहाँ पे आएगा टर्न। वी शुड बिकम वॉचफुल एंड टर्न ओवर अटेंशन, अपनी अटेंशन को हमें टर्न यानी कि अपना ध्यान मोड़ना चाहिए टू गुड, अच्छी चीज़ों की तरफ। अगर आपके मन में लालच आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान भटकाएं, जिससे कि वो लालच आपके मन में ना आए, क्योंकि लालच बुरी बला है, किसी ने बच्चपन में कहा था और ये वास्तव में बुरी बला है बच्चों। एक बार लत लग गई तो गलत लत लगी जाएगी, फिर मेहनत पर आप बिलीव नहीं करेंगे। और नोबल थॉट्स, ये बात यहाँ खत्म होती है, अगली बात शुरू होती है। डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू डैश, तो हमें जो है वेट करना चाहिए जब तक टेम्पटेशन टू डैश ना हो जाए। डैश वी वेट अनलेस
इफ वेदर या अनटिल। बच्चों कह रहे कि अनलेस वी वेट टिल द टेम्परेचर बिकम्स टू डैश। बच्चों यहां पे अगर आप लोग अनलेस लगाना चाह रहे हैं तो सेंटेंस अनलेस से आपका कंडीशनल हो जाएगा, हालांकि वर्ड तो सारे कंडीशनल हैं, चाहे बात करूं अनलेस की, चाहे बात करूं इफ की, चाहे वेदर की, चाहे अनटिल की। लेकिन गैस अनलेस का मतलब हो जाएगा कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक वो काम होगा। तो गैस यानी कि इस तरह से बात कहना चाह रहे हैं कि आपको ये करना है काम को जबकि आपको इसे नहीं करना है। इस गैस वेदर का मतलब तो खैर यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि वेदर के साथ आपकी कंडीशन डाउटफुल हो जाती है, तो डाउटफुल कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग इसका। अनटिल वी वेट टिल, बच्चों आगे टिल आ रहा है तो आप अनटिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखें आप लोग। आगे ऑलरेडी टिल आ चुका है, और टिल और अनटिल अनलेस ये तीनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, तो ये इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, तो अनटिल आपका नहीं आएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी, इफ वी वेट, यदि हम वेट करते हैं टिल द टेम्परेचर बिकम्स टू डैश, जब तक टेम्परेचर टू डैश ना हो जाए, डैश वी आर लाइकली टू फॉल, तब तक हो सकता है कि हम लोग उसमें असफल हो जाएं। तो टू डैश, टू स्ट्रॉन्ग, टू बर्ली, टू फीबल, टू वीक। तो गैस देखिए कंडीशन से पता चल रहा है कि अगर हम वेट करते हैं तब तक का, जब तक कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो गैस यहाँ पे आप लोग टू स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, बाकी ऑप्शन की यहाँ पे आवश्यकता है ही नहीं। वी आर लाइकली टू फॉल, तो हम लोग जो हैं एक फॉल यानी कि पतन है हमारा एक तरह से। प्लेइंग विद द टेम्परेचर डैश टू वेलकमिंग इट, प्लेइंग विद द टेम्परेचर यानी कि अगर टेम्परेचर के साथ आप खेल रहे हैं लालच के साथ में, तो इस तरह से आप उसको वेलकम कर रहे हैं, यानी कि वो एक दिन आपके साथ आना ही आना है। अमाउंट्स, अमाउंट, अमाउंटेड, अमाउंटिंग। अब गाइस इस तरह के शब्दों के साथ में एक खास बात ये होती है, उसने आपको चारों शब्द जैसे दिए, अमाउंट्स, अमाउंट, अमाउंटेड या अमाउंटिंग। अब यहाँ थोड़ा सा फायदा ये होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पिछली वाली वर्ब को देख करके फैसला ले सकते हैं। प्लेइंग विद द टेम्परेचर डैश, अब गैस यहाँ पे शुरुआत की अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस की शुरुआत हुई है प्लेइंग से। किससे हुई बच्चों? प्लेइंग से। ध्यान देना बच्चों, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले PQRS के अंदर आपको रूल पढ़ाया था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत जीरंड से हो, सेंटेंस की शुरुआत में अगर जीरंड आ जाए, तो गैस हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जीरंड से अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। प्लेइंग विद द टेम्परेचर, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद है, इसे भूल जाइए, प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते हैं, आपको यहाँ लगानी है वर्ब। अब अगर प्लेइंग आ गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनमें से सिंगुलर वर्ब जो है आपकी वो है आपकी अमाउंट्स, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ES आया है, ये फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल मानी जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ING फॉर्म तब तक नहीं आ सकती जब तक हेल्पिंग वर्ब ना आए। तो गैस ये आपकी स्टोरी हो जाएगी यहाँ पे अमाउंट्स। ये फ्री के नंबर थे। यस, प्लेइंग विद द टेम्परेचर अमाउंट्स टू वेलकमिंग इट, इनफैक्ट द सेफेस्ट डैश, द सेफेस्ट आइटम, ट्रैक, ऑब्जेक्ट या थिंग। तो गैस द सेफेस्ट थिंग इज टू अवॉइड सिचुएशंस इन विच वी मे, जो सेफेस्ट थिंग होगी वो ये होगी अवॉइड करें इसको जिस सिचुएशन में आप लोग हैं, अवॉइड मतलब बचना। तो द सेफेस्ट थिंग इज टू अवॉइड सिचुएशन इन विच वी मे बी टेम्पटेटेड, जिसमें आप लोगों को लालच दिया जा सके। इफ डैश ऑल ओवर केयर, इफ डैश, इफ बिकॉज ऑफ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और इन केस ऑफ। ये तो अच्छा सेंटेंस इन्होंने दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 9 में, इफ डैश ऑल ओवर केयर्स 9 ऑप्शन में। बच्चों यहाँ पे इफ कोमा लगाया, उसके बाद उसने सेंटेंस दिया आपको, क्योंकि दो कंजक्शन के साथ नहीं आ सकती, इफ भी आपकी कंजक्शन ही है, लेकिन उसने कोमा लगा दिया है। और आपको अगर याद हो PQRS मेरा, मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में कोमा लगा दे तो फिर कुछ और हिस्सा देगा और उसके बाद एक कोमा और लगाएगा, और ये इफ आपका इसके लिए है। इफ अ टेम्परेचर बिकम्स टू सेवर, ये कहना चाह रहा है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सेवर हो जाए हमारी बहुत ज़्यादा केयर के बावजूद भी, ये कहना चाह रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा सेंटेंस की मीनिंग पे, डैश ऑल ओवर केयर, हमारी बहुत ज़्यादा केयर के बाद भी अगर टेम्परेचर बहुत सेवर हो जाए, तो बच्चों के बावजूद भी, आप सुन रहे होंगे मेरी बात, तो के बावजूद के लिए आपको लगाना है, बिकॉज ऑफ की वजह से, डिस्पाइट के बावजूद 9th ऑप्शन में आपको हो जाएगा, इन स्टीड ऑफ के बदले, इन केस ऑफ के बजाय। तो गैस आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी आंसर करेक्ट, के बावजूद, के बावजूद। तो गैस इफ कोमा
डिस्पाइट ऑल ओवर केयर, हमारी सारी केयर के बावजूद भी, इफ यदि टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, वी डैश नॉट गेट अपसेट और डिसअपॉइंटेड, हमें नहीं होना चाहिए अपसेट और डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश नहीं होना चाहिए, कहना चाह रहा है वी शुड। तो गाइस जब बात हो मोरल की, जब बात हो नैतिकता की कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम लोग बात करते हैं शुड की। आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए, आपको अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस जब बात करें नैतिकता की, मोरल की, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का। आपको यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा टेंथ का ए करेक्ट, टेंथ का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लोट टेस्ट खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो कि सर आपने यहाँ पर ये क्यों लगाया और ये क्यों नहीं आया, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मर्यादा के साथ। ओके गाइस, पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको दे दूंगा। क्लियर है गाइस? तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा, और ठोक दो लाइक दबा करके बच्चों, जिसको भी वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाह रहे हैं कि अगली वीडियो भी इसी तरह से आ जाए जल्दी से जल्दी, तो चलिए फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।